आज की ताज़ा खबर आप देख सकते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रयागराज पंडालों से विदा हुई जगदम्बा, अंदावा के तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन। शारदीय नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के साथ ही पंडालों में प्रतिष्ठापित दुर्गा प्रतिमाओं को हेज भक्तों ने भावपूर्ण विदाई दी। बाजे गाजे के साथ वाहनों पर माँ की विसर्जन शोभायें निकाली गयी। रास्ते भर अबीर गुलाल उड़ाते, नाचते और जयकारा लगाते हुए भक्त माँ को विदा करने निकले। अंदावा के तालाब में सविधि पूजन के साथ ही प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। बाजे गाजे के साथ सुसज्जित वाहनों पर प्रतिमाओं को लेकर हर गली मोहल्ले से भक्तों की टोलियां विसर्जन यात्राएं लेकर निकली। अंदावा में बने तालाब के किनारे सविधि पूजन अर्चन कर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को विदा किया जाने लगा। माँ को विदा करने के लिए सुबह से ही पूजा पंडालों में सिंदूर खेला शुरू हो गया। और पर्वों का देश है, भगवान श्री राम के चरित्र पर चलने वाला देश है। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक दशहरे में रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया है, और उसी के साथ ही साथ लाखों की संख्या में जो जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने अपने मन के अंदर जो रावण है उसको भी मारने का संकल्प लिया है। ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। निश्चित रूप से जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर में विराजित होंगे, उस दिन यह भाव जागृत होगा, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब श्रोता। ये जो शोक के वातावरण है सब फटने वाले हैं, और भगवान श्री राम की कृपा से पूरा भारत में राम राज की प्रार्थना हो, उनका यह प्रतीकरण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी की पूरे भारतवर्ष में सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। आज ये हिंदुओं का त्यौहार है विजयदशमी। आज के दिन भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या पहुँचे थे, और इसी खुशी में हम लोग त्यौहार मनाते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर सभी को खुश रखते हैं। देश में सनातन धर्म को विश्वास करने वाले पूरे विश्व में लोग आज विजयदशमी मना रहे हैं। विजयदशमी हमारी हजारों साल से मनती आई और मनती रहेगी। क्यों? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज आपने देखा कि बरगद घाट हमारे प्रयागराज में रावण का दहन हुआ है। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, प्रतीक है बुराइयों का। उनके 10 सर उनकी बुराइयों के प्रतीक है, और भगवान ने उनका वध करके ये एक संदेश दिया कि जिसमें बुराई होती है वो तो कितना भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत बुरा होता है। तो आज भगवान राम ने यहाँ पर वध किया है रावण का। आप देख लीजिए हजारों लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो रामचरितमानस रामायण हमारे एक अनंत ग्रंथ है जो आने वाली पीढ़ियों को लगातार